नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बीते दिनों खगड़िया के महेशकूट में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां स्कूल की दीवार गिर गई और जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। यह मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है, इसको लेकर तमाम नेताओं ने सदन में भी सवाल उठाया है। वहीं साथ ही साथ अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर मृतकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, नगद सहायता भी की है। उसके बाद उन्होंने विधायक को जमकर खरी खोटी सुनाई है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आप सुनिए। मैं देर नहीं हूँ, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। घट गिर गया, संवेदक जो है उसने बदमाशी की, उसने सही तरीके से काम नहीं किया, एस्टिमेट के आधार पर काम नहीं किया, इसलिए उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो, लोगों का ये डिमांड है। और खास तौर पर एक धूर भी जमीन जिसके पास नहीं है उसको बास्केट पर्चा देके इंदिरा आवास देकर के तुरंत अविलंब उसकी कार्रवाई से। अगर दोषी अधिकारी को बचाए जाएंगे तो पप्पू यादव क्या करेंगे? नहीं, आप बेफिक्र रहिए, पप्पू यादव की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लीडर है, वो लड़ लेगा हमसे, हमारी जरूरत नहीं महसूस होगी, आप चिंता नहीं करिए। यहाँ लड़ने की हैसियत रखता है हमारे लीडर, सभी लोग यहाँ ईमानदार हैं और इस लड़ाई को मुकम्मल तक पहुँचाएंगे। पोस्टमार्टम से लेके यहाँ तक हमारे लीडर आपके साथ खड़े थे और कंप्लीट खड़े रहेंगे। कौन एमएलए कहाँ है, एमएलए का ठेकेदार कौन है, एमएलए पैसा 30% लेता है, 30% पैसा लेता है एमएलए लोग, सब ठेकेदारी में 30% लगभग पीसी बंधा हुआ है। कौन पीसी लेगा ये एमएलए एमपी मंत्री, क्यों पीसी लेगा? 30-40% पीसी ले लोगे, 30-40% पीसी ले लेगा पदाधिकारी, क्या होगा? उसकी भी जांच हो और एमएलए पर भी एफआईआर होना चाहिए। ऐसे एमएलए को बकसना नहीं चाहिए। तो जनता मूर्ख है, जो लड़ता है, जो ईमानदार है, जनता उसकी सुनता ही नहीं है। लगभग एस्टिमेट घोटाला बिहार में डेली लड़ाई ले रहा है, मिनिमम हमरा लागे छे कि 1200-1300-900 किलोमीटर अकेला चले पड़े छे। निश्चित रूप से अपने 6 जान के मतलब नहीं छे कि गरीब के जान या मजदूर के जान, जान जान है छे। लगभग बच्चा के उम्मीद समाप्त भए गेलै, पत्नी के उम्मीद समाप्त भए गेलै, एकटा बच्चा मरलै है जकर माय बेहोश है, ओकर लड़का दौड़े रहे नौकरी हेती है, ओकर तो समझियो कि पूरा जिंदगी समाप्त भए गेलै। जकरा 6-2 बच्चा छै जे गूंगी छै जे अंधा छै, जकरा एक बच्चा छै जकरा पास एक स्कूल भी जमीन नहीं छै, दूर भी जमीन नहीं छै, तो सरकार पर हम प्रेशर बनाकर जमीन बास्केट पर्चा के साथ इंदिरा आवास के व्यवस्था कोनो भी कीमत पर चाहे जमा करे पड़े हमें करवेबे, वो हमार गारंटी छै, ओहिमे कोई कमी नहीं रख। ताली नहीं बजाबी, ताली नहीं बजाबी, कोनो भी परिस्थिति और एकरा भरोसा रखियो। स्पेशली सब काम छोड़कर हमें राते आ गए, रात हम रोहर जी के यहाँ रही, हमारा भोरे यहाँ आना रहे, आए 5 जिला में कार्यक्रम छह, लगातार 7 मर्डर भेल छे, कल से दरभंगा बंद छे, वहाँ 3 भाई का मार दिल के हमारा वहाँ कल जाना रहे, ओकरा छोड़ के हम आ लगे हम कल आए, हमारा वहाँ जाना छे, दरभंगा कल से बंद। निश्चित रूप से अभी ये 6 परिवार छे, तत्काल पार्टी के तरफ से कुछ मदद 6 परिवार के करल जा रहा छे। हमें भरोसा दे के जाए छे, जे परिवार में बच्ची छे वे बच्ची के जखनी यहाँ शादी लागते ओकरा 25-25 हजार रुपया हमरा तरफ से शादी में बच्ची के एकदम कोनो भी परिस्थिति बच्ची के शादी में हमें लागते। कार्रवाई कोनो भी कीमत पर संवेदक जे छे ओकरा पर हे बेटा कर, कोनो भी कीमत पर ओकरा कोई नहीं बचा सके। एकरा लिख ली, यदि पप्पू यादव एले तो ओकरा कोई नहीं बचा सकते, एकरा भरोसा रखियो। बड़का से बड़का पैरवी लोग चाहे रहे पप्पू यादव नहीं जाए, बहुत लोग चाहे, बहुत फोन एले हमरा कथी ले जाए छे, भए गेले सब जे है से भए गेले, अहाँ नहीं जाए, हमें करबे चाची, चाची हमें करबे अहाँ कर, नहीं सब जल मिल रहा है ना, मिल मिलते है और जे पैसा मिल रहा है ओकर दुकान दौरी कर ली, हम हाथ जोड़े छे,
हम एक दुकान भे जेते ना 4 लाख में अच्छे हमें देखिए ओकरो छोड़ दियो अरे बहन अरे पहले बहन सुनिए हमारे बात सुनबे तब ने 4 लाख रुपया दल के जे 1.5 लाख रुपया आके सुनल करो जकर लड़का के नाम से जरा जमा करके फिक्स कर दिए बुझलो वो 1.5 लाख रुपया अपन बेटा के नाम से फिक्स कर दिए बच्ची के नाम से बच्ची के शादी कोनो भी कीमत पर पप्पू यादव कर अगर हम आपको बता दें बच्ची का परिवार करेगा खाने के साल में ऐसी साल में जैसा में शादी के क्रम कब मामा बताएगा अच्छा दो दिन हम चार साल बताएगा अगर पागल कर जाएगा अगर पागल या पागल अगर पागल। तो आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि जो कोई भी इसमें आरोपी है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और विलंब सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विधायक यहाँ पर कमीशन लेते हैं इसलिए ये सब होता है और कई तरह के गंभीर आरोप पप्पू यादव ने लगाए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों यह हादसा हुआ था 2 दिन पहले जिसको लेकर कल सदन में भी यह मामला उठाया गया था। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।